हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ सुलेमान इमैनुएल। तो गाइस, आज की जो सी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हम जिस सॉन्ग पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है स्केपगोट सिद्धू मूसेवाले का। अगर हम स्केपगोट के मतलब भी देखें तो रहता है बलि का बकरा। तो ये सिद्धू मूसेवाला ने गाना रिलीज़ किया था जब वो इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद ये अचानक से सॉन्ग आया, यानी कि सुबह नोटिफिकेशन आया और शाम के टाइम ये गाना रिलीज़ हो गया है। तो ये गाना के ऊपर आज हम रिएक्ट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इमरजेंसी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको उनकी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो आज हम यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि रिव्यू एंड एनालिसिस, तो आज हम एनालिसिस करेंगे सॉन्ग का, रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। मैनू कल गल किसे बंदे ने सी कही, कहना हारिया तू क्योंकि तेरी पहाटी नहीं सही। मैं कहा ठीक है एक गल दस भाई, जे आई सी गलत पहला तुसी क्यों जताई, क्यों 3 बार पहला तुसी ऐसे नू जताया, सुन मेरी गल कोई जवाब क्यों नहीं आया। बिल्कुल, ये क्या भाई, बंदे कह रहे हैं कि तू हरा इसलिए क्योंकि तेरी पार्टी नहीं सही। तो वो आगे से कह रहा है कि अगर यही पार्टी अगर सही नहीं थी तो पहले क्यों जिताया, थोड़ा 3 बार ये पार्टी को पहले लोगों ने जिताया और आज अब आके कहते कि पार्टी नहीं सही। आगे चलते हैं। मैं क्या इतने ही पुवाड़ा हो जाता, थोड़ा कीता ठीक दूजा माड़ा हो जाता। यही बात है कि यानी कि लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा ठीक हो, हमारा ठीक हो, तुम्हारा गलत है। ये तो ये कह रहा है कि जी थोड़ा ठीक है तो साडा माड़ा है। आगे चलते हैं। तो सरकार दसो कौन हूं, मैनू लोगो एक दार दसो कौन, जित गया कौन गया हार दसो कौन, हूं मैनू लोगो एक दार दसो कौन। आओ जिथे आंदा सच सब चार दिया पल्ला, इत्थे पहला बत हारे ओ मैं हारिया नी कल्ला। लोकां यहाँ पे ज़रा रुकते हैं, यहाँ पे ये लिखे लिखा है कि मैं पहले भी यहाँ पर बहुत हारे हैं। तो ये बात सही है कि जब ये इलेक्शंस हुए थे तो इंडियन पॉलिटिक्स में स्पेशली पंजाब में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नाम हार गए थे ना, यानी कि जिनका कोई सोच ही सकता था, यानी कि जो इनका कभी सोचा भी जा सकता ये बंदे कभी हारेंगे, इतने इतने बड़े नाम हार गए थे। और सिद्धू यही कह रहा कि मैं अकेला नहीं हारा, बहुत ज़्यादा हारे हैं और भी, और ऐसे ऐसे नाम हार गए हैं बंदा सोच नहीं सकता था। तो सिद्धू को था ये फर्स्ट साल था। आगे चले। बीबी खालड़ा और सिमरजीत मान, ये भी इनके बहुत बड़े नाम है, इनको भी हराया। बीबी खालड़ा की जहाँ मेरी रिसर्च है वो ये थी कि इन्होंने ना कुछ लापता लोगों उनके खिलाफ काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया है। और सिमरजीत मान भी एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ की पॉलिटिक्स में, इनके बता रहे हैं कि ये भी हारे हैं, यानी कि आपने इनको भी हराया है। हालांकि देखा जाए इनकी सिमरजीत मान और बीबी खालड़ा ये अलग पार्टी से हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के नहीं है, सिद्धू कांग्रेस पार्टी का है, यानी कि सिद्धू हमेशा बंदों को सपोर्ट करता था, पार्टी को नहीं। आगे चलें। चलिया फिर दया खुले ऐ तन प्रीत दीप सिद्धू नु भी भुले, भुले है सके परिवार दसो कौन, हुन मैनू लोगो एक दार दसो कौन, जित गया कौन गया हार दसो कौन, हुन मैनू लोगो एक दार दसो कौन। यहाँ पे जरा रुकेंगे कि जिसके लिए लिखा है आपको शायद पता ही होगा, ये जो देखो संभली ना जनानी साला मता देना मैनू, आपको पता ही होगा कि किसके बारे में कहा गया, तो आप समझ आए खुद ही। और ये आगे लिखा हुआ है फिर की बनिया वोटां दा,
क्यों नहीं होए क्योंकि नेट तो बिना ता गल बात नहीं हो आईनी कुछ करके दिखाने हो औकात नहीं हो आईनी एमएम बैठ के कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसकी ये आईडीज फिर की बढ़िया वोटा था ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪੜਨਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਪੌਂਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਉ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆਉ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਮਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਆ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਆਇਆ ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਣ ਦੇਣੀ ਕਾਤੋਂ ਆਪ ਸਰ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇਣੀ ਕਾਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਹਾਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੁਕेंगे ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਸਭ ਮਾੜੇ ਆ ਦਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਕੋ ਚੁਣਤੇ ਵੀ ਤੋ ਆਪ ਲੋਗ ਹੀ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਚੁਣਤੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੋ ਆਗੇ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ये देखा ये कह रहा है कि इनको आप जिताया था इनको माड़ा भी तो ना कहो इनके इनको लाने वाले भी आप हो फिर आप खुद ही इनको कहो कि ये सही नहीं है आगे चले ये रोकेंगे जरा देखिए मुझे जिन्होंने मैंने जिनको जिताया मुझे उन्होंने हराया है और आगे पहले भी उसने बोला कि ये था कि मेरे पास सब कुछ था मुझे सियासत में आने की जरूरत ही क्या थी सब कुछ था लेकिन मैं लोगों के लिए आया हूँ तो मैनू दुख नहीं हो कोई मैनू थोड़िया सियासत दी भूख नहीं हो कोई दिन भी चढ़ूंगा भावे रात सीगी मेरी आओ अंत नहीं होया शुरुआत सीगी मेरी भले भावे हुण ने सियाण देनी मैनू आओ हारिया जो कहिंदे सारे जाण देनी मैनू सूली वाले सूली बिना सहार देनी हुंदे जिहदी रगां विच फते कदे हार देनी हुंदे पिसाल तां कहावत सी जिहड़े लाहौर गुद्दू ओह पिशौर भी फुद्दू सुण लो सुण कट्टे उहनां ने ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਫੁੱਦੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਫੁੱਦੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਫੁੱਦੂ ਤੋ ਇਹ ਥਾ ਗਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸੌਂਗ ਥਾ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਹਾਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁਆ ਥਾ और ये वो सॉन्ग था ये भी एक वो उन सॉन्ग्स में से था जिसने जिस सॉन्ग्स की वजह से सिद्धू मूसेवाले के उनसे हेटर से हेटर से उनमें भी इंक्रीज हुआ क्योंकि इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट इनके बताया गया है पॉलिटिक्स में बताया गया है दूसरे लोगों पर बताया गया है तो सॉन्ग तो बहुत अच्छा था लिरिकली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बम था एक किस्म का तो सिद्धू मूसेवाला ने ये सॉन्ग इनके दोपहर में डाला है पोस्ट डाली थी कि शाम को गाना और शाम के टाइम ये रिलीज हुआ है और स्केप गोट का मतलब यही था कि बलि का बकरा तो सिद्धू मूसेवाला ने भी जब एक लाइव शो में भी ये कहा था कि मैं आज सिद्धू मूसेवाला अगर बनाऊँ तो मैं 1000 दफ़ा हारा हूँ पहले फिर जाकर सिद्धू मूसेवाला बनूँ और ये इलेक्शन में भी मैं अगर हारा हूँ तो मैं जितनी बार मर्जी हारूँ लेकिन मैं बन के दिखाऊँगा और उसने बन के दिखाना था उसने खड़े होना था जो उनसे लोग हंस रहे थे कि ये हार गया सिद्धू हार गया इस तो इन लोगों के लिए वो तो खड़ा हुआ था अपने लोगों के लिए अपने लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया और उसके पास पैसा फेम सारा कुछ था तो चलते हैं फिर एग्रीमेंट में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा पीस आउट